हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार के तरफ से एक बहुत ही बड़ी योजना निकाला गया है जिसमें फ्री में सिलाई मशीन मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्री में सिलाई मशीन किनको मिलने वाला है और फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फिर इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के बाद फाइनली हमें सिलाई मशीन कैसे मिलेगी। तो सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अब बात करते हैं इस योजना में किनको लाभ मिलेगा। तो वैसी महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आती हो या फिर शहरी क्षेत्र से आती हो, दोनों को लाभ मिलने वाला है ताकि अपना गुजर बसर चला सकें। और अब बात करते हैं कि इस योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सबसे पहला, एज 20 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया रखा गया है कि जो भी महिला इस योजना के लिए अप्लाई कर रही है उनके पति का वार्षिक आय 12,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब साल में वो 12,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते हुए होने चाहिए। और फिर तीसरा क्राइटेरिया है कि वो औरत चाहे विधवा हो या फिर विकलांग हो या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकती, इस योजना का लाभ ले सकती। और अब बात करते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला, आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, इसी के साथ आयु प्रमाण पत्र लगेगा, उससे प्रूफ हो सकेगा कि आपका एज 20 साल से ज़्यादा है और 40 साल से कम है। और इसी के साथ जो महिला अप्लाई कर रही है उनके पति का आय प्रमाण पत्र लगेगा, उससे प्रमाण होना चाहिए कि उनका आय 12,000 से कम है। और इसी के साथ यदि वो विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र लगेगा, और यदि वो विधवा है तो विधवा का प्रमाण पत्र देना होगा ताकि प्रूफ हो सके। और इसी के साथ सामुदायिक प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये कहाँ से बनेगा, तो आपके गांव के जो भी मुखिया होंगे उनसे संपर्क कीजिएगा और बोलिएगा कि हमें सामुदायिक प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो आपको इजीली बनवा के दे देंगे। और फिर अगले डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो मोबाइल नंबर लगेगा और फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये योजना अभी सभी राज्य में नहीं लागू किया गया है, कुछ राज्य में लागू किया गया है जिसका नाम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, मात्र यही 9 राज्यों में इसको लागू किया गया है। और बाकी जो भी राज्य बच गए हैं आने वाला समय में धीरे धीरे सभी राज्य में इस योजना को लागू किया जाएगा। और अब फाइनली बात करते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसको फिलअप करना होगा। तो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, फिलअप कैसे करना है और फिर आगे का जो भी जानकारी है सब कुछ आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाके स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। तो चलिए आपको अब मोबाइल के स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और सामने के ही सर्च बार पे टाइप करेंगे india.gov.in, टाइप करके सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे फ्री सिलाई मशीन योजना। टाइप करके जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो जो ऊपर वाला ऑप्शन आया है इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्री सप्लाई ऑफ सीविंग मशीन, इसको टैप करेंगे और नया टैब में इसको ओपन करेंगे। क्लिक कर लिए, अब चलते हैं नए वाले टैब में। तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि डाउनलोड हुआ या फिर नहीं। तो यहाँ से डाउनलोड पर जाएंगे और इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों देखिए ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है
एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्री सप्लाई ऑफ सीविंग मशीन। तो सबसे पहला है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी महिला के नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं उन महिला का नाम यहाँ पे हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिख दीजिएगा। उसके नीचे फीमेल लिख देना है, या फिर हिंदी में लिख रहे हैं तो महिला लिख दीजिएगा। उसके नीचे यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जिसमें पूरा पता लिखना है, ग्राम, पोस्ट, फिर थाना और फिर जिला वगैरह सारा कुछ लिख देना है। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या फिर एज लिख देना है, जन्म तिथि लिखेंगे या फिर एज लिख दीजिएगा कितने उम्र है। उसके नीचे यहाँ पे कास्ट लिख देना है कि कौन से जाति से आते हैं। उसके नीचे है अंडर व्हाट रीज़न सीविंग मशीन रिक्वायर्ड, किस वजह से आप सीविंग मशीन लेना चाहते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पुअर, आप गरीब हैं। दूसरा क्राइटेरिया है डिस्टर्ब विडो, मतलब विधवा है, या फिर डिस्टर्ब वाइफ है, या फिर हैंडीकैप्ड है, मतलब विकलांग है। तो आपका जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर विधवा या फिर विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे है एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 पर ईयर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से आपको फिलअप करना है। और उसके नीचे है इज सीविंग मशीन वॉज रिसीव्ड प्रीवियसली, क्या आपको पहले कभी सिलाई मशीन मिला हुआ है, तो यहाँ पर आपको नो लिख देना है। और उसके नीचे है फ्रॉम होम द स्टिचिंग वॉज ट्रेंड, आपने सिलाई कहाँ से सीखे हुए हैं। तो कोई संस्था से सीखे हुए हैं तो उस संस्था का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, या फिर आपने खुद से सीखे हुए हैं तो बाई सेल्फ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके नीचे है पासपोर्ट साइज फ़ोटो इनक्लोज्ड और नॉट, तो यहाँ पे यस लिख देना है। और फिर राइट साइड में है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, मतलब जो भी महिला अप्लाई कर रही उस महिला का यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है, या फिर सिग्नेचर नहीं कर पाती है तो यहाँ पे अंगूठा लगवा देना है। बस फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और फॉर्म को भरने के बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। सबसे पहला है इनकम सर्टिफिकेट, उनके पति का होना चाहिए और जो भी 12,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके नीचे है एज प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद है हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट लगाना है, मतलब विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद है विधवा है तो विधवा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिसको आप अपने मुखिया से बहुत आसानी से बनवा सकते हैं। और उसके बाद है प्रूफ ऑफ नोइंग टेलरिंग, मतलब आपको सिलाई आता है, इस बात का भी प्रूफ देना होगा। कैसे आप प्रमाण कर सकते हैं कि आपको सिलाई आता है, इसका प्रूफ देना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है, और अटैच करने के बाद आपको अपने ब्लॉक में जाके जमा कर देना है। आपको पता कर लेना है कि फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म कहाँ पे जमा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जमा कर देना है। और वहाँ पे जो भी कर्मचारी होंगे उसको वेरीफाई करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर डाटा है वो सही है या फिर नहीं। वेरीफाई करने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस योजना के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल रह गया है, या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, या फिर किसी भी तरीके का सवाल है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।